कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? ज्योतिष ने बताई ऐसी भविष्यवाणी, सुनकर होगी हैरानी। क्या कहती है टीम इंडिया की कुंडली? रोहित का मंगल और विराट का बुध, स्टेडियम में जब धोनी होंगे मौजूद तो क्या कंगारुओं की हार का मन पाएगा जश्न? चार्टर्ड प्लेन से पहुंची अनुष्का, आथिया और सारा भी हुई एयरपोर्ट पर स्पॉट, ट्रॉफी पर रोहित का पोज देख क्या बोले फैंस? इस वर्ल्ड कप में कई ऐसे संयोग बने हैं जो बताते हैं कि टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, पर ज्योतिष क्या कहते हैं ये जानना भी बेहद जरूरी है। साल 2011 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड नहीं पहुंच पाया था तो इस बार भी नहीं है। नंबर चार पर जैसे युवराज थे उसी तूफानी बैटिंग की भूमिका में श्रेयस अय्यर दिखाई दे रहे हैं। बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करने वाले युवराज ने तब आयरलैंड के खिलाफ 5 विकेट लिए थे और इस बार जडेजा ने अफ्रीका के खिलाफ पंजा जड़ा है। इसके अलावा कोहली ने 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ शतक जमाया था और इस बार भी बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी जड़ी है। पर सवाल है कि क्या संयोग से सिर्फ काम चल पाएगा या खिलाड़ियों की कुंडली भी देखनी होगी? टॉप दो खिलाड़ियों में रोहित शर्मा और विराट कोहली की कुंडली देखने पर पता चलता है 29 अप्रैल 1987 को जन्मे रोहित शर्मा का समय अभी शानदार चल रहा है। 21 दिसंबर तक उनके लग्न में गुरु हैं जो दुनिया भर में उनका नाम करवाएगा। अप्रैल 2024 तक रोहित अगर कप्तान रहे तो वो एक नया इतिहास लिखकर जाएंगे। जबकि 5 नवंबर 1988 को जन्मे विराट कोहली की कुंडली में राहु शुक्र और बुध का गोचर है जिससे विराट शानदार फॉर्म में है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन भी ज्योतिष की सलाह पर ही करना चाहिए था, लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं क्योंकि इस हिसाब से तो बाकी टीमों के खिलाड़ी चुने ही नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड, वहाँ कुंडली का कोई मतलब ही नहीं होता है, फिर उनका भविष्य कैसे देखा जाएगा? हमारे देश में भी सिराज और शमी जैसे खिलाड़ियों की कुंडली कैसे तय होगी? इसीलिए इन बातों से हटकर आप इस बात पर फोकस करिए कि हम ये वर्ल्ड कप जीत रहे हैं और उस जीत की गारंटी ये तीन तस्वीरें भी देती हैं। अनुष्का शर्मा चार्टर्ड प्लेन से अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं, जबकि आथिया शेट्टी और सारा तेंदुलकर को भी एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लेडी लक मिलकर टीम इंडिया के तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन और शानदार करने वाली हैं। क्योंकि जब स्टेडियम में अनुष्का बैठी हो तो विराट के बल्ले से अब शतक आसानी से निकल जाता है, जबकि आथिया के आते ही केएल राहुल की किस्मत कैसे बदली ये आप सबने देखा। इसके अलावा शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर के चर्चे तो आप सुन ही रहे हैं। सारा ने कह दिया कि शुभमन चाहे जैसे भी खेले पर शतक जड़कर ही वापस लौटेंगे। कहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसी हालत ना हो जाए कि गिल और रोहित की जोड़ी मिलकर बड़ा स्कोर खड़ा कर दी और कंगारू सिर्फ देखते रह जाएं, क्योंकि अहमदाबाद से आई नई तस्वीर बताती है कि जीत से पहले ये ट्रॉफी लगता है रोहित की हो चुकी है। ये तस्वीर ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की है जो फाइनल मुकाबले से पहले ट्रॉफी के साथ पोज दे रहे हैं। बाईं ओर रोहित खड़े हैं जबकि दाईं ओर पैट कमिंस खड़े हैं। अब आप पुरानी ट्रॉफी की फोटो उठाकर देखेंगे तो जब धोनी जीते थे तब भी वो बाईं ओर खड़े थे, जब ऑस्ट्रेलिया जीती थी तब भी उसके कप्तान बाईं ओर खड़े थे और जब इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीती तब न्यूजीलैंड के कप्तान दाईं ओर इंग्लैंड के कप्तान बाईं ओर खड़े थे, जिससे ये मतलब निकाला जा रहा है कि रोहित सिन्हा ये ट्रॉफी जीतेगी। हालांकि इसका सही पता तो मैच के बाद ही चल पाएगा, पर बतौर फैंस आपकी फीलिंग क्या कहती है कमेंट कर बताएं।